और यहाँ पर ना फ्रेंड ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर लगाए हैं हम लोगों ने भिंडी, तो भिंडी के पत्ते सारे कीड़े खा ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये हस्बैंड जी दवाई लेकर आए थे तो बोतल में भर के और घोल के उनके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं। और बाकी जो तुरई वगैरह था, खीरा और ये सब करेला वगैरह, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिए, बिल्कुल जड़ से काट के वो लोग खा लिए। तो थोड़ा थोड़ा ये भिंडी बची है, तो इस पर देखिए छिड़काव कर दे रहे हैं, बचता है कि क्या होता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड, और आ गई हूँ आप लोगों के लिए छोटे से न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज है डे फ्रेंड संडे, और आज का डे आप लोगों को पता है कि काफ़ी बिजी रहता है सुबह से लेकर शाम तक, और फुल डे बिल्कुल बिजी रहता है, और संडे के दिन डबल काम हो जाता है फ्रेंड। तो अभी मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए छोटे से न्यू ब्लॉग के साथ फ्रेंड। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं हूँ अभी छत पे, और गर्मियाँ भी शुरू हो गई है, तो दिन में छत पे आना बहुत ही कठिन रहता है, और बहुत ही गर्म हवा, और कभी गर्म हवा चलने लग रही है, कभी ठंडी हवा चलने लग रही है, ऐसा ही मौसम करवटे बदल रहा है। और कभी साल स्वेटर रख दे रहे हैं रजाई वगैरह, और कभी सारा कुछ निकाल ले रहे हैं, तो ऐसा ही फ्रेंड चल रहा है। मौसम में चेंज होता जा रहा है, और जब मौसम में चेंज हो रहा है तो तबीयत भी अचानक से ही ख़राब हो जा रही है फ्रेंड। और अभी आज का मौसम ठीक है, तो आज इस समय तबीयत भी ठीक है। और अभी बजे हैं फ्रेंड शाम के 5:30 और मैं आई हूँ छत पे, तो थोड़ा सा मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लूँ। और यहाँ पे छत पे बहुत अच्छा लग रहा है, इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इधर इतना सब देखिए, मेरा आटा बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। और आज फिर से मैंने गेहूं को धुल के डाली हूं, और सुबह से बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े और सारे कपड़े वगैरह धुलना, और हम लोगों को पूजा भी करना है, तो पूजा की भी तैयारी धीरे धीरे चल ही रही है। तो और देखिए फ्रेंड, अभी हवा चल रही है, तो ये सब देखिए धुले हुए कपड़े हैं, तो सारे गिर गए हैं। और कभी अचानक से आंधी आ जाती है, कभी हवा चलती है, तो देखिए पूरे छत में सारे कपड़े गिरे हुए हैं, और इधर इधर, और वहाँ पर मैंने बेडशीट धुल के डाली थी, सारी बेडशीट भी उस साइड डालते हैं तो उड़ के इस साइड आ जाती है जब हवा चलता है तेज। तो और जब डालते हैं बेडशीट वगैरह फ्रेंड, तो देखिए ऐसे ईंटों से दबा देते हैं, नहीं दबाएंगे तो ये उड़ के पता नहीं कहाँ चल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो ऐसे ही दबा देते हैं तो रुका रहता है। और अभी फ्रेंड है शाम का टाइम, और सूरज डूब रहा था, तो देखिए बहुत ही अच्छा मतलब दिख रहा था। तो ये मैंने पीछे का, मेरे पीछे के घर हैं, मेरे घर के पीछे के, तो हरी हरी नींद थी, और उधर सूरज डूब रहा था, और सबके घरों में सन्नाटा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे सूरज डूब रहे हैं और हरी हरी, तो इन सब चीज़ों को तो फ्रेंड फॉलो कर ही रहे हैं। तो साथ में हमको ग्रीन टी कब लेना है और कैसे लेना है, और ग्रीन टी के क्या क्या फ़ायदे हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड। और कौन सी फ्लेवर का ग्रीन टी लेना है, और कौन सी कब कब लेना है ग्रीन टी हमें दिन में, तो मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ, तो आप जो सारा मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तो ठीक है, आइए अब अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज ना फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर ले रही हूँ कि ग्रीन टी हमें कब बनानी, कब लेनी चाहिए, दिन में कितनी बार लेनी चाहिए। तो फ्रेंड जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, या नाइट का डिनर कर रहे हैं, तो उसके एक घंटे बाद, लंच के एक घंटे बाद, डिनर के एक घंटे बाद, हमको ग्रीन टी बनाकर ले लेनी चाहिए। और ग्रीन टी बनाना फ्रेंड बिल्कुल ही आसान होता है। आप एक जिस कप से आप चाय पीती हैं उसी कप से एक कप गुनगुना पानी कर लीजिए, और गुनगुना पानी करने के बाद एक कप जो हमारा एक चम्मच जो हमारा ग्रीन टी है उसको हम डाल के और थोड़ा सा ढक के रख देंगे, तो देखेंगे आप बिल्कुल ग्रीन टी हमारी बन के तैयार हो जाएगी, और आप उसी को गर्मा गर्म ग्रीन टी ले सकती हैं फ्रेंड। और ग्रीन टी तो लेना 32 बार के फॉर्मूले में बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा 32 बार फॉर्मूले के बारे में बात कर ले रही हूँ फ्रेंड। और जितना आसान लगता है 32 बार फॉर्मूला फ्रेंड, उतना होता नहीं है। और कोई भी काम देखिए फ्रेंड, जितना आसान लगता है आप लोगों को देखने में, फ़िलहाल वो उतना आसान होता नहीं है। तो अभी मैं 32 बार फॉर्मूला फॉलो तो कर रही हूँ और थोड़ा सा परिवर्तन मुझे लग रहा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ फ्रेंड। तो ऐसा होता है कि अगर आप 32 बार फॉर्मूला है तो उसको आप फॉलो कर रही हैं तो उसके साथ साथ कुछ अपना डाइट प्लान भी करना ज़रूरी रहता है फ्रेंड। और अपनी डाइट में अच्छे से अंकुरित अनाज लेना और हरी सब्जियां लेना, पत्तेदार सब्जियां लेना, और ये सब अगर हम लोग नारियल पानी लेना फ्रेंड, और जो भी है अच्छा सा, मतलब जो कि हमारे शरीर को फुल डे एनर्जी दे सके, तो ऐसा अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो 32 का फार्मूला जब हम लोग ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर है जो बॉडी वेट लॉस तो होता है, तो उसके साथ साथ सर में दर्द भी होने लगता है और चक्कर भी आने लगता है हल्का सा, क्योंकि हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो गलने लगता है, तो इसलिए हमें चक्कर सा आने लगता है। तो अच्छे से हमें 4 या 5 लीटर दिन में पानी भी पीना चाहिए। और अब आ जाते हैं फ्रेंड किचन में, और किचन में देखिए क्या हो रहा है। स्वीटी हमारी कर रही हैं सब्जी बनाने की तैयारी, तो यहाँ पर सब्जी बना रही हैं और आप लोगों से हाय कर रही हैं। और मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी तो मैंने कहा स्वीटी तुम आलू को छीलो और काटो, तो स्वीटी हमारी यहाँ पर आलू को छील के और भुजिया के लिए काट रही है महीन महीन। तो और इस समय फ्रेंड शाम का टाइम है, 7 बज रहा है, तो अब मच्छर बहुत लग रहे हैं फ्रेंड और ये बिल्कुल परेशान हो गई है। तो कह रही है कि मम्मी इतना मच्छर आ गया है, कुछ करो कुछ करो। तो बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो फिर मैं आई तो मैं कह रही हूँ यही मोर्टिन रखी है सामने, तुमको जला के रख लेना चाहिए ना, क्यों परेशान हो रही हो मच्छर में। तो कह रही है कि आप रख दीजिए, तो मैं यहाँ पर मोर्टिन जला कर और रख रही हूँ फ्रेंड। इतने मच्छर हैं कि बिल्कुल शाम के टाइम, सुबह के टाइम, दोनों टाइम लगते हैं, और रात में थोड़ा सा कम हो जाते हैं मच्छरदानी वगैरह जब लग जाती है तो। और इधर भुजिया की तैयारी हो गई, सब्जी कट चुकी है और इधर बना रही हैं ये सिवई। तो इनको तो कुछ ना कुछ रोज़ चाहिए चटपटा खाने के लिए, और मीठा तीखा कुछ ना कुछ इनको, मतलब अच्छा अच्छा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो अभी इधर तो मैं कह रही हूँ कि चलो तुम ही बनाओ, मैं दूसरा काम कर रही हूँ, तुम्हें सिवई चाहिए तो तुम अपने आप बनाओ। तो वो उधर क्या कर रही हैं कि रिफाइंड में सिवई को भून रही हैं, तब तक मैं इधर दूध रखती हूँ, खोल रहा है दूध, और इधर 2-3 हरी इलायची में कूट के डाल रही हूँ। एक हाथ से मैं कैमरा फ़ोन पकड़ी हूँ और दूसरे हाथ से मैं कूट रही हूँ, तो इसे हो नहीं पा रहा है। तो फिर मैं कैमरा रोक के तो कूटी हूँ और इसमें दूध में डाल दे रही हूँ, तब तक खोल रहा है दूध उधर, जब तक वो भूनेंगी तब तक। और इसमें थोड़ा सा गरी वगैरह जो था, और चीनी तो डालना मैं भूल ही गई थी। और इधर सिवई भून चुकी है और इधर सिटी ने सिवई भी डाल दिया, और केवल इसमें पड़ा है किशमिश और गरी, और किशमिश गरी और छोटी इलायची, और मैं चीनी डालना भूल गई थी। तो फिर जब स्वीटी ने थोड़ा सा चखा तो कह रही हैं कि मम्मी आपने चीनी नहीं डाला है। तो मैं अभी शूट करती रहती हूँ फ्रेंड, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ, क्योंकि ध्यान इधर रहता है कि कौन सा क्लिप शूट करना है कौन सा नहीं करना है। तो कभी नमक वगैरह डालना, कभी कुछ ना कुछ मैं खाना बनाते टाइम में भूल ही जाती हूँ। तो फिर मैं बाद में डाली, तो अभी सिवई कुछ ऐसी ही पतली थी तो मैं डाल के, और गर्म ही थी तो मैं फिर चीनी डाल के और उसको चलाई हूँ, तो फिर भी उतना वो स्वाद आता नहीं है। बाद में चाहे खाने के ऊपर से नमक डालो या जो खाना बन चुका है उसके ऊपर से चीनी डालो, तो वो वाला स्वाद आता नहीं है जो स्वाद पहले आता है डालने से। तो इधर देखिए हमारी सिवई कुछ ऐसी बन चुकी है, और बहुत ही टेस्टी सिवई बनी थी, हल्की सी मीठी थी। और आई होप फ्रेंड आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में।